छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा, फरेबी, चोरी, जालसाजी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने किया। मात्र 4700 पर रिजल्ट देने की बात जो लोग कर रहे हैं, इसको हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। 28,000 पदों पर इनको रिजल्ट निकालना होगा। आपने ट्वीट किया था कि सपनों के सौदागर से बच के रहिए। कौन है सपनों का सौदागर, आप बता दीजिए कि बीपीएससी है या शिक्षा विभाग है। आज जो बैठे हुए हैं बेरोजगार लोग, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम बैठे हैं। बसपेज की बहाली के बाद बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। ऐसे में मेरी मौजूदगी अभी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पर तमाम अभ्यर्थियों के साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, और ऐसे में लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज या कल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है, और लगातार अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने की बात हो रही है, उसमें काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो सीट दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, आंकड़ा गलत है। ऐसे में छात्र नेता सौरभ है, सौरभ से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में आज गांधी मूर्ति के पास आप लोग पहुंच गए हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्यों प्रदर्शन? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा, फरेबी, चोरी, जालसाजी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने किया है। मात्र 4700 पर रिजल्ट देने की बात जो लोग कर रहे हैं, इसको हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। 28,000 पदों पर इनको रिजल्ट निकालना होगा। इसके लिए मुझे सड़क से लेकर अगर कोर्ट का भी के पास जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से जो बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट किया था, आप इतने बड़े पद पर हैं, संवैधानिक पद के अध्यक्ष हैं, तो छात्रों आपके बात पर भरोसा करते हैं। आप बताइए कि 4700 पर रिजल्ट देने के कहां कोई औचित्य बनता है। 28,000 ज्यादा पद खाली है, सभी सीटों पर रिजल्ट निकालिए, क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि सपनों के सौदागर से बच के रहिए। कौन है सपनों का सौदागर, आप बता दीजिए कि बीपीएससी है या शिक्षा विभाग है। सपनों को बेचने का काम आपने किया है, फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रमाण पत्र आपने बांटा है, गलत लोगों को आपने एंट्री दिया है, बीएड फेल वालों को आपने एंट्री दिया है, सीटेट फेल वालों को आपने नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा है, और सारे हमारे मेरिटधारी इंतजार कर रहे हैं एक महीने से कि रिजल्ट निकलेगा। और कई जगहों पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, बीपीएससी के पास गए, शिक्षा विभाग गए, तेजस्वी यादव के आवास के पास गए, और आज जो बैठे हुए हैं बेरोजगार लोग, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम बैठे हैं, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के पास भी 3 बजे जाएंगे, और अपनी बातों को लेकर क्या 4700 रिजल्ट पर आप दे रहे हैं, किसी भी सूरत हाल में छात्रों को ये बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए आखिर जो भी 4700 आंकड़ा सही है जो दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को, ये आंकड़ा नहीं दिया गया है, ये न्यूज पेपर के माध्यम से प्रकाशित हो रही खबरें और तमाम न्यूज चैनल भी चला रहे हैं, तो इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, इस बात की पुष्टि बीपीएससी ही करे और शिक्षा विभाग ही करे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 4700 रिजल्ट के बाद सच्चाई है तो इसको हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। 28,000 से ज्यादा पद खाली है, सभी पदों पर आप सप्लीमेंट रिजल्ट निकालिए, अगर नहीं निकालते हैं तो छात्रों का एक हुजूम जो है आज धरना स्थल पर नहीं बैठ के सड़क पर आंदोलन करेगा, क्योंकि उनके पूरा अधिकार है, सप्लीमेंट रिजल्ट किसी भी हाल में निकलना चाहिए। कहाँ तक आंदोलन जाएगा? आज जो है 3 बजे हम लोग का डेलीगेशन जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलेगा, पूछेगा कि 4700 पर रिजल्ट अगर दे रहे हैं तो क्या वो सच है या झूठ है। क्या नाम है आपका? सर अभय शंकर नाम है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विभाग बात नहीं सुन रहा है, सरकार भी बातें नहीं सुन रहे हैं, क्या कहिएगा? हम सर सरकार से हम पुनः आग्रह करेंगे कि जो बीपीएससी अध्यक्ष बोले थे कि एक एक सीट को एक बार नहीं 4 बार देना पड़ेगा, देंगे लेकिन भरेंगे, तो हम चाहेंगे कि जो 4700 वाला खबर है उसके बारे में बताएं हम लोग को, और जो जितना भी सीट खाली है एक सीट को भरें, 28,000 या 30,000 जितना भी सीट खाली हुआ है, सीट चाहे सीटेड फर्जी सीटेड फेल हैं चाहे डीएड फेल हो गए हैं, हम लोग सभी सीटों को भरना, हाँ हाँ भरना है। क्या नाम है? सर मेरा नाम रविश कुमार पांडे, सीएस ब्रांच है आपसे। सर मैं शिक्षा विभाग माननीय अतुल प्रसाद सर से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी ड्रॉप आउट सीट खाली हो रहे, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं और इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे कि इन सभी खाली पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज हाथ जोड़ कर विनती है आपसे, मैं आग्रह करता हूँ प्लीज। क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल है। आंदोलन जहाँ तक सरकार चाहेगी वहाँ तक जाएगा। मेरा शिक्षा विभाग से हाथ जोड़ कर एक ही प्रार्थना है कि जितने वैकेंट सीट है, चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट से हो, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन डेट मीन्स इनएलिजिबल हो, चाहे वो ड्रॉप आउट हो, सारा रिक्त सीट आयोग को बीपीएससी को जल्दी भेजे
और बीपीएससी तैयार है सीट पर रिजल्ट देने के लिए, लेकिन शिक्षा विभाग वो सीट नहीं भेज रहा है। तो शिक्षा विभाग से आग्रह फिर से कि सीट जल्दी भेजे। में कितना लमसम आपके हिसाब से सीट होगा जो अभी खाली रहे? देखिए ये तो शिक्षा विभाग बताएगी, लेकिन जहां तक पेपर के माध्यम से ही 28,000 के अनुमानित, लेकिन ये पुष्टि नहीं है। जितना भी है वैकेंट, हम ज्यादा नहीं बोल रहे, हम कम भी नहीं बोल रहे, जितना है आपके पास वो दे दीजिए, बस मेरा हक का बात है ये। जितना भी सीट बच गया है उस पर ये अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार न्यूज चैनलों के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं यह साफ कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं 4700 दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि अगर 4700 आंकड़ा दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को, वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है। ऐसे में इसमें सुधार करना चाहिए। अगर शिक्षा विभाग आंकड़ा गलत दे रहा है तो वहीं शिक्षा विभाग को पूरे तरीके से जो सीट खाली रह गया है वो आंकड़ा देना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से मांगे पूरी नहीं होगी उसके बाद हम आज 3 बजे शिक्षा विभाग घेरने का काम करेंगे और लगातार प्रदर्शन करेंगे। तमाम ये बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से परीक्षा ली गई थी शिक्षक नियुक्ति को लेकर, उसमें ये अभ्यर्थी शामिल हुए थे फर्स्ट फेज में, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और लगातार आक्रोशित दिख रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों को क्या कुछ मांग थी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।